आपने कल सुबह बहुत अच्छे से नाश्ता बनाया, बहुत मेहनत की, प्यार से नाश्ता बनाया, भाई साहब आए डाइनिंग टेबल पे, खा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है कि इतना अच्छा बना। तो आप उधर बैठे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। तो आपने उनको बोला हाँ, तो उन्होंने बोला क्या, तो आपने बोला ठीक है, क्या ठीक है, नाश्ता इतना अच्छा मैंने नई चीज़ बनाई आज, हाँ ठीक है, अच्छा बना, हाँ अच्छा बना, लेकिन मेरी मम्मी का ज़्यादा अच्छा बनता था। वो उन्होंने कहा और वो काम पे चले गए। अब मेरा मन कुछ कुछ बोलना शुरू करता है। उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, अच्छा बना है लेकिन मेरी मम्मी का ज्यादा अच्छा बनता है। सच बोला या झूठ, सच बोला या झूठ, सच। सही बोला या गलत, सही बोला या गलत, सही बोला या गलत। अच्छा चलो, सही बोला या गलत नहीं वो बाद में छोड़ते हैं। अब हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद, बोलना शुरू कीजिए जरा। हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद, हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद, बोलो बोलो बोलो। हाँ क्या किया, इतनी मेहनत की, मेरी मेहनत पानी में चली गई। खा के तो गए हो नाश्ता अच्छे से, पानी में कहाँ चले गए। अच्छा महिमा नहीं मिली इसलिए पानी में चले गए। वन लाइन, इतनी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। सेकंड, एनीथिंग एल्स, क्या मन रो, मन की कमेंट्री को देखना जो अंदर चलता है। और क्या बोलता है मन, हाँ जी। अच्छा आपका मन बोलता है मैं दूसरी बार बनाऊंगी नहीं ये चीज। अब ये जो अंदर चलेगा ये इनकी वजह से चल रहा है, ये मेरे सोचने के तरीके से चल रहा है। उन्होंने कितनी लाइनें बोली, हम कितनी लाइनें बोलते हैं, और फिर 50 लाइनें बोल के मन इतना भारी हो जाता है कि तो किसी से बात करनी पड़ेगी, मेरा मन बड़ा उदास हो गया। फिर कोई ना कोई फोन नंबर तो है ही जिसको हम सबसे पहले फोन करेंगे बताने के लिए। फिर हम उनको फोन करते हैं, उनको तो पता है आज क्या किया उन्होंने, ऐसा बोला, उसे बोला, सामने वाला से चार लाइनें और सुना देता है वहां से, हाँ ऐसा ही है, कोई वैल्यू ही नहीं है घर के लिए। तो माइंड स्टार्ट्स क्राइंग मोर, पूरा दिन बीत जाता है ये अंदर रोने में। शाम को वो वापस आते हैं, हम बात ही नहीं करते उनसे ठीक से। वो कहते इनको क्या हुआ, सुबह तो ठीक थे। हम वेट कर रहे हैं कि वो आके सॉरी बोलेंगे हमारे को। वो सॉरी बोलते नहीं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने कुछ गलती भी की थी। तो वो हम जब उनको देखते हैं कि वो सॉरी भी नहीं बोलते, तो हम कहते पहले तो गलती किया, फिर वैल्यू भी नहीं किया, अभी आके सॉरी भी नहीं बोला, तो मन 5 लाइनें और बोलता है उसके ऊपर। वी सी द डिफरेंस नाउ, सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है। खुशी उनके बोलने से गायब नहीं हुई थी, उनके वो बोलने के बाद ये जो अंदर बोलता है उसकी वजह से खुशी गायब होती है। अब उनके वो लाइन बोलने के बाद क्या हम कुछ अच्छा भी बोल सकते थे अंदर, क्या ऑप्शन है, कोई अच्छी लाइन सुना दो जो बोल सकते थे उस टाइम पे। हाँ जी, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। अच्छा और कोई अच्छी लाइन, और अच्छा मैं उनकी मम्मी की तरह खाना बनाना सीख लूंगी। अच्छा और कोई अच्छी सी लाइन, हाँ जी क्या बोल रहे, क्या कहा, हाँ बहन जी ने कहा मैं उनकी मदद से सीख लूंगी, ये भी अच्छी लाइन। और कोई अच्छी लाइन, हाँ जी जब ये सारे अच्छे वाले ऑप्शंस, सी वी हैव टू चेक, ये सारे अच्छे वाले ऑप्शंस जो अभी निकल रहे हैं क्या ये उस टाइम भी क्रिएट किए जा सकते हैं। बहुत मुश्किल क्यों है, बहुत मुश्किल, अभी तो आपने ही सुना है सारे अच्छे वाले क्रिएशन, क्यों, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि इसका हम रोज ध्यान नहीं रखते हैं, इसको हम रोज पावरफुल नहीं बनाते हैं, इसको हम रोज दिन भर दिन ध्यान नहीं रखने के कारण कमजोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो कमजोर आत्मा मतलब गलत सोचना। अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूं तो फिर इधर दर्द, इधर दर्द, इधर दर्द होना ही है। लेकिन अगर मैं इसका रोज ध्यान रखना शुरू कर दूं तो वो सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? रोज इसका ध्यान रखना है, रोज इसका ध्यान रखना है, सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या हम आत्मा का ध्यान रखने के लिए रोज कुछ करते हैं? यस यस, करना चाहिए या ये अपने आप अपना ध्यान रख लेगा? करना चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज मेडिटेशन। कि जैसे हम इसका ध्यान रखते हैं वैसे हम इसका ध्यान भी रखना शुरू करें, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो ये धीरे धीरे, पहले भी हम इसका ध्यान नहीं रख रहे थे, आज भी नहीं रख रहे हैं, पहले असर कम होता था, आज असर ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है।